हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव टू डन इट। नाउ सेवन क्वेश्चन हैव टू बी रिमेंस आउट एंड अदर क्वेश्चन आल्सो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेवन एज पर गिवेन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर सेवन विच आर गिवेन, ये क्वेश्चन नंबर सेवन है जो बुक्स में दिया हुआ है आपके। कह रहा है क्वेश्चन आर सेज द A 8000 केजी इंजन पुश अ ट्रेन ऑफ 5 वेगन्स। दैट मीन के 8000 केजी मास है किसका, इंजन का, जो 5 बोगियों को लेकर के 5 वेगन्स को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है। ईच ऑफ 2000 केजी, दैट मीन कि जो ये 5 वेगन्स हैं वो सब कितने के हैं, ईच ऑफ एक वेगन दैट मीन 2000 केजी का है। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल जो ट्रैक है, इस तरीके का ट्रैक है, इस पे इस तरीके की बोगीज बनी हुई हैं और ये क्या कर रहा है, इंजन क्या कर रहा है, इसको पुल्स कर रहा है आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये जो बोगीज हैं ये 2000 की हैं। यहाँ पे ट्रेन का इंजन लगा हुआ है जो आगे की तरफ इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि इफ द इंजन एक्सर्ट फोर्स, अगर इंजन फोर्स लगाता है 40,000 न्यूटन का, देन द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स। ट्रैक पे जो फ्रिक्शन होगा, जो उसका व्हील्स होगा घूमेगा, तो फ्रिक्शन जो क्रिएट होगा वो 5000 न्यूटन का होगा। देन कैलकुलेट करिए एक्सीलरेटिंग फोर्स, दैट मीन कि हमें नेट फोर्स निकालना है एक्सीलरेटिंग। तो आपने डायग्राम थ्योरी में भी देखा है कैसे होता है नेट फोर्स, अब कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम फटाक से लगा देंगे, पहले नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है, आफ्टर दैट ट्रेन का एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो नेट फोर्स हम निकालते हैं, द एक्सीलरेटिंग फोर्स दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स, अब नेट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल सम ऑफ ऑल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, 40,000 न्यूटन, देन प्लस आफ्टर दैट फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो 5000 है। और आपको मालूम है कि अपोजिट मोशन में ये क्रिएट होता है फ्रिक्शन का फोर्स, दैट मीन कि यहाँ पे जो 5000 है ये -5000 है। क्यों, फ्रिक्शन अपोजिट साइड में हमेशा होता है। तो यहाँ लिख दीजिए अपोजिट साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपको इंडिकेट करता रहेगा प्लस -5000 न्यूटन। अब हम टोटल कर लें तो ये कितना आएगा, 35,000 न्यूटन। यही क्या होगा, नेट फोर्स होगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा, जो क्या कर रहा है, ट्रेन को आगे की तरफ लेके जा रहा है इस फोर्स से, 35,000 न्यूटन से। अब अगला पूछ रहा है बी कंडीशन में, ए कंडीशन हमारा सॉल्यूशन हो गया, अब बी कंडीशन में पूछ रहा है कि बताइए द एक्सीलरेटिंग ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, देन A इज इक्वल टू, अगर यहां से हम A निकालना चाहेंगे तो मास को क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, फोर्स के डिवाइड में चला जाएगा, दैट मीन A इज इक्वल टू F अपॉन M। अब हमें यहाँ पे फोर्स जो मिल रहा है और साथ ही साथ जो ट्रेन का मास है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ द ट्रेन क्या है, मास ऑफ द ट्रेन है 8000 केजी, देखिए ऊपर दिया हुआ है 8000 केजी, और आगे है प्लस 2000 केजी, और 2000 केजी के कितने वेगन्स हैं, 5 तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 8000 केजी प्लस 5 टू जा
10,000 केजी टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 केजी में आपका मास मिल गया, 8,000 केजी आपको मास मिल गया और फोर्स आपने निकाल लिया है 35,000 न्यूटन का है। तो फटाक से हम रख देते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा ट्रेन का, यहां लिख दीजिए ट्रेन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल एफ है हमें मिला हुआ है 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 30 से 30 कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू क्या आया 35/18। अब 35 को कट करना है हमें तो 35/18 को कट कीजिए तो कितना हो जाएगा, वन टाइम जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 9 टाइम और फिर 4 टाइम, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द ट्रेन एक्सीलरेशन, ट्रेन एक्सीलरेशन यह मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ए इक्वल 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आपका दूसरा भी आंसर, पहला आंसर ये है नेट फोर्स और दूसरा आंसर आपका मिल गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ट्रेन एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन कितना हमें मिल गया 1.94। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास ऑफ 15 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, यानी हमें फोर्स निकालना है व्हीकल और रोड के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसमें। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे हमको दे रहा है एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन दे रहा है और साथ ही साथ मास दे रहा है, फोर्स हमसे पूछ रहा है। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज इक्वल टू मास कितना दिया है 1500 केजी और एक्सीलरेशन दिया है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2500 एंड फिर 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां आया केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और हमें पता है 1 kg इंटू 1 meter अपॉन 1 second square दिस इज इक्वल टू 1 newton के होता है। तो फटाक से यहां रख दीजिए 2500 न्यूटन, दैट मीन 2500 न्यूटन, बट साइन यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस में है, दैट मीन कि ये हमसे क्या पूछ रहा था, फ्रिक्शन पूछ रहा था कि फ्रिक्शन व्हीकल और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो कितना है उसके बारे में हमको बताना था। कि ये पूछ रहा था कि एक ऑटोमोबाइल की गाड़ी है जो जिसका मास है 1500 kg, वो रोड पे जब निकलती है तो जब उसको स्टॉप किया जाता है तो उसका जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है वो है 1.7, मास दिया हुआ है तो उसके बीच फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शन का फोर्स -2500 न्यूटन लगेगा। देयरफॉर फोर्स एक्ट ऑन द व्हीकल डायरेक्शन अपोजिट द मोशन, यहां लिख सकते हैं फोर्स एक्ट अपोजिट ऑन मोशन, यहां लिखना पड़ेगा आपको कि फोर्स क्या हो रहा है मोशन के अपोजिट में वर्क कर रहा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन के थ्रू ही क्या एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, तो उसी की वजह से ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो निकल के आएगा हमारा वो कितना होगा 2500 का। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चन।